जय नारायण जी और आदिवासी एक ही जाति रा समुदाय रा है तो आपना घना हितालु रेड़ा है और आदिवासी आ साथे मारे उपमुख्यमंत्री साहब जत भी आपा बुलावा उणी विनारे माते पुगी जावे तो एकदम तालियां रे साथे ओ सम्मान बीज रियो घणो सोणो घणो मनमोणो घणो हिवड़ा रे माते उतरण जो सम्मान पूरे प्रदेश में पूरे देश में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इस दिवस के मायने क्या है, किस बात के लिए हम ये दिवस मना रहे हैं, इस पर ध्यान डालना बहुत जरूरी है। देश में करोड़ों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, ना सिर्फ राजस्थान में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, इस देश का कोई राज्य नहीं है जहां पर हमारे एसटी के भाई बहन नहीं रहते। सिर्फ पढ़ाई कराने से, सिर्फ आर्थिक मदद करने से, सिर्फ बसावट में, लोगों को मौका देने में अगर हम लोग काम करते हैं तो शायद हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन इस देश के संविधान में आदिवासी भाइयों और बहनों को वो हक और अधिकार मिला कि देश में, समाज में, किसी भी काम में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, आरक्षण की व्यवस्था जो कराई थी उसी के कारण आज हमारे लाखों करोड़ों आदिवासी भाई और बहन एक गौरवमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बात को बोल सकते हैं। और देश भर में आज जो ताकत मिली है उसके लिए हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ और कानून बनाया, सबसे ज्यादा मजबूती वहां से मिली। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से, संशोधन करने से ज्यादा एक मानसिकता में परिवर्तन भी इस देश में हम लोग लेकर आए। आज जेब में पैसा आने से गरीबी उन्मूलन हो सकती है, लेकिन मानसिकता को परिवर्तित करकर सबको एक नजर से देखें इस देश में, वो भावना पैदा करना हम लोगों का दायित्व है। आदरणीय पायलट साहब ने अपने विचार रखे, स्वर्गीय पायलट साहब और सचिन पायलट साहब के आदिवासी समाज के प्रति जो सोच थी, जो उनके सम्मान था, आज उन्होंने जाहिर किया है और हमसे वादा किया है कि आदिवासियों के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, सरकार की तरफ से संसाधनों की कोई कमी नहीं आएगी।